जैसे राजगीर में इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो रहा है, वो भी हॉकी में, तो ये बहुत बड़ी बात है। जो भी आने वाले बच्चे हैं वो भी देखेंगे, अभी आएंगे बैठ के मैच देखेंगे, फिर हम उनके सामने अपना परफॉर्मेंस करेंगे, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा कि मतलब बच्चे हमारे से बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। तो हमारी टीम रेडी है और हम इन बच्चों को देख के हमें एक मोटिवेट भी मिलता है कि इनके जैसे थे हम, तो हम भी इसी तरह बैठ के मैच देखते थे, और इनको हम एक चैलेंज की तरह लेके जाएंगे और इनके सामने हम मैच देखेंगे। ये बच्चे हमें मोटिवेट करेंगे, तो हमें एक मोटिवेट फील होता है कि हमारे जूनियर्स हमसे कुछ सीखने आए हैं। तो हमारी टीम पूरी रेडी है, और जो भी हमारा फर्स्ट मैच है जैसे मलेशिया के साथ है, तो वो भी बहुत अच्छी टीम है, तो हम मैच बाय मैच जाएंगे। और जैसे सेकेंड मैच हमारा कोरिया के साथ है, तो बैक टू बैक मैच है, तो हमें जैसे फर्स्ट मैच मलेशिया के साथ है, उसके बाद हमारा कोरिया के साथ है, तो हमारे उसी तरह से प्रिपरेशन भी है, और जो भी हमें प्लान्स बताते हैं उससे हम फॉलो करेंगे। और फाइनली ये मैच दिखाने का मौका मिल गया है, और कल हमारी मैच है, तो हम पूरी तरह से रेडी हैं। और ये नहीं है कि इसमें किसी का बस है, क्योंकि इंसेक्ट है जो कीड़े हैं, जब आप फ्लड लाइट चलाएंगे तो नेचुरल अभी भी देखे यहाँ पे इतने सारे हैं, तो कहीं ना कहीं एक भी इंसेक्ट किसी के हाथ में कहीं जाता है, तो ये प्लेयर का बहुत बड़ा क्षति होगा। और उसी के नज़र में रिशेड्यूल किया गया, तो ये बहुत अच्छा मेरे को लगता है कि डिसीजन है एशियन हॉकी फेडरेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का। एंड क्योंकि बिहार सरकार इतना खर्च किया है फ्लड लाइट वगैरह में, बहुत खूबसूरत स्टेडियम है, नेचुरल है, वो एक फ्लड लाइट का एक मजा खेलने का और खिलाने का अलग है, प्लेयर भी लुत्फ उठाते हैं, पब्लिक भी उठाती है, और उसका कहीं ना कहीं वो लोग इंजॉय करना चाहते हैं। तो अगर उसी नज़र में देखें तो इसमें 1645 किया जाए कि एटलीस्ट हाफ मैच, नॉट अ फुल मैच, हाफ मैच एटलीस्ट वो फ्लड लाइट का एक लुत्फ है, वो पब्लिक से लेकर प्लेयर तक होता है। तो मेरे ख्याल से हमने कहीं ना कहीं एक प्लेयर सेफ्टी को माइंड में रख के एक रिशेड्यूल किया, लेकिन कहीं ना कहीं हमने स्पेक्टर को भी सोचा है और उसको वंचित नहीं रखा कि आप फ्लड लाइट में मैच नहीं देख सकते।